रामचरित मानस पर चंद्रशेखर के बयान पर विवाद गहरा गया है। नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को नसीहत दी है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, ये कहा है नीतीश कुमार ने। किसी भी धर्म में किसी को हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है, ये सीएम नीतीश कुमार को कहना पड़ा है। तो नीतीश कुमार कहते हुए कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी को भी किसी धर्म में हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो मामला अभी तक थमा नहीं है। नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए, इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीज़ों पर कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे? संविधान से। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखिएगा, को चाहे कोई भी धर्म हो उसका सम्मान तो बताया गया है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिसकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। तो देखिए, आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू का पलटवार आ गया है। नीरज कुमार ने ट्वीट किया, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, आरजेडी कोटे से मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार जो कि जेडीयू नेता है, उन्होंने ट्वीट किया, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। कल चंद्रशेखर ने ट्वीट किया था, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार। तो ये दो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के चंद्रशेखर का ट्वीट देखिए क्या लिख रहे हैं। वो लिख रहे हैं, बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। अब जेडीयू के नीरज कुमार का ट्वीट है जिसमें वो ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, यानी वो तेजस्वी की जगह उन्होंने शिक्षित शब्द जोड़ दिया है। अब मतलब क्या है, ये दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं, सरकार चला रही हैं, लेकिन कैसे इनके राग अलग अलग है आप देखिए। इधर तेजस्वी यादव एक बार फिर चंद्रशेखर के ट्वीट का बचाव करते दिखे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बिहार लिखने में गलती क्या है। वही जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी टीवी 9 से बातचीत में अपने ट्वीट का बचाव किया। आप बता दिए, अभी तो हम देखेगा। ट्वीट तो सबके अपना, ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो इसमें बुराई क्या, अच्छी बात है। अरे भाई, इसमें कहाँ कोई तकलीफ, अच्छी बात है ना भाई। ट्विटर की हम लोग सब लोग नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना, जो महागठबंधन बना। अब महागठबंधन के नेता कौन है? आदरणीय लालू जी और नीतीश जी। 15 में इन लोगों ने बनाया था, फिर से पुनः बना है। और हम सब लोगों ने फैसला किया कि नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन फिर से बनाएंगे और काम करेंगे। भाजपा को तो रोका नहीं, भाजपा तो डरी हुई है ना भाई, चाहता कुछ ना कुछ हो। इसलिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ट्विटर पर ही जनता में उन्माद फैला देता है, अपने काम की चर्चा कोई नहीं करता है। किसी के ट्वीट का जवाब देने के लिए आधिकारिक नहीं है, लेकिन हम अपने पार्टी के नेता की उपलब्धि के लिए आधिकारिक है, मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा। शिक्षा मंत्री तो वो इनकार थोड़े करेंगे, जो काम हुआ उसको कैसे इनकार करेंगे कि 19% हमारा बजट या आवंटन है। ये कैसे इनकार करेंगे कि हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट मेरा बेहतर स्थिति में, ये कैसे इनकार करेंगे। और देखिए, इसी वार पलटवार के बीच आरजेडी का बड़ा बयान। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा, हम जवाब देंगे तो विवाद बढ़ेगा, यानी वो कह रहे हैं कि है विवाद। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि हम जवाब देंगे तो विवाद बढ़ेगा। जेडीयू आरजेडी का सिर्फ हाथ नहीं, दिल भी मिला है, ये कहा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। महागठबंधन में महाभारत चला के ये कितने दिनों तक सरकार आप चलाएंगे? महागठबंधन में महाभारत नहीं है, महागठबंधन में हाथ और दिल नहीं मिला, ये हाथ और गले नहीं मिला है, दिल मिला है। तो इसलिए कुछ लोग हैं, जुबान फिसल रही है, लेकिन नहीं, जो कुछ लोग हैं ये बताइए, केवल जुबान ही फिसल रही है या कहीं सरकार भी हाथ से फिसल रही है? जुबान के फिसलने का सवाल नहीं है। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी के इशारे पर कुछ विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं, तो इन सब का जवाब हमारे डिप्टी सीएम ने दे दिया, इसलिए बात वहीं खत्म हो गई।